घाटी का माहौल एक बार फिर से खराब होता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि फिर से जम्मू कश्मीर के पुंछ में घने जंगलों में रविवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। आपको बता दें कि इसमें 2 पुलिसकर्मी और साथ ही साथ एक आर्मी जवान जख्मी हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि सुरक्षा बल जेल में बंद पाकिस्तानी आतंकी जिया मुस्तफा को भट्टा दूरियन में लेकर आए थे ताकि आतंकियों के ठिकाने पर पहचान की जा सके, लेकिन तभी आतंकियों ने फायरिंग कर दी। उधर शोपिया में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच क्रॉस फायरिंग में एक युवक की गोली लगने से मौत भी हो गई है। भट्टा दूरियन के जंगलों में पिछले 13 दिनों से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बल जिया मुस्तफा को आतंकी ठिकानों की पहचान करने लाए थे, लेकिन इतने में ही आतंकियों द्वारा सेना पर हमला किया गया और फिर से मुठभेड़ जारी हो गई है। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ही ताजा तमाम बड़ी अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।